नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीश माथुर हूँ। मैं रीढ़ की हड्डी और जोड़ों का विशेषज्ञ हूँ मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में। ठंड का मौसम आ गया है और हम सब जानते हैं कि ठंड के मौसम में जोड़ों की और कमर की खास ध्यान रखना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि सारे जो जोड़ों से रिलेटेड दर्द होते हैं वो इस मौसम में बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर और एयर प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से जोड़ सेंसिटिव हो जाते हैं। जो लोग गठिया वगैरह के पेशेंट्स होते हैं उसमें थोड़ी सूजन भी आ जाती है। दर्द और तकलीफ़ को बढ़ने से रोकने के लिए हमें कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। पहला जो कहते हैं कि वार्मिंग अप सेशन जो सुबह करते हैं वो बहुत ध्यान से करना चाहिए। द ओल्डर यू आर, जितनी भी आपकी उम्र बढ़ती जाए, सुबह के टाइम पे बहुत ध्यान रखिए। लगभग 70% तकलीफ़ें जो एक्यूट पेन से शुरू होती हैं अर्ली मॉर्निंग टाइम पे होती हैं, जब मसल्स अनट्रेंड होती हैं, थोड़े स्पैज़म में होती हैं, थोड़ी ठंडी होती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता है टेम्परेचर मसल्स का इम्प्रूव होता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, छोटी मोटी चोटें लगने का या दर्द होने के चांसेस कम होते जाते हैं। सुबह के टाइम पे बहुत केयरफुल रहें, उठना बैठना थोड़ा अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेचेस करिए, बॉडी को गर्म रखिए और सुबह उठते जो है गर्म पानी का एक ग्लास पीजिए ताकि डिहाइड्रेशन और नमक की कमी की प्रॉब्लम जो होती है वो एड्रेस हो जाए। इसके अलावा पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है इस सीज़न में और एज़ वी ऑल नो के कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है हमारे जोड़ पे प्रेशर ज़्यादा आता है जो लोअर स्पाइन के होते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से लोअर स्पाइन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है, उसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो जाती है और पेन बढ़ जाता है। दूसरी बात का ध्यान रखना है, कसरत करते समय एक वार्मिंग अप पीरियड जरूर इंक्लूड होना चाहिए। कसरत जरूर करनी चाहिए जाड़ों में, लेकिन सेंसिबली करनी चाहिए। एक वार्मिंग अप पीरियड इंक्लूड करें, स्ट्रेचिंग जरूर इंक्लूड करें और आगे झुक के वज़न उठाने वाली या बेंडिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही केयरफुली करा करें इस सीज़न के अंदर। तीसरा है कि हमारे जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं डायबिटीज़ वगैरह जो हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न होता है तो थोड़ा खाने पीने की और इसकी आदत ज़्यादा पड़ जाती है तो ये बीमारियाँ भी वर्सिन हो जाती हैं इसमें, और इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉडी की हीलिंग पे फ़र्क पड़ता है और आपके जोड़ों के दर्द को भी ये बढ़ा सकता है। तो संक्षेप में, गर्म रहें, अपने फ्लूइड इनटेक अपना मेंटेन करें, बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने आप को चोट से बचा के रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि 2023 आपके लिए बहुत खुशियाँ और अच्छी सेहत लेके आएगा।